बात मैं तुम लोगों को समझा रहा था कि हम शो से बिंदिया को नहीं चेंज कर रहे, शो में बिंदिया का लुक चेंज कर रहे हैं, और इसीलिए चैनल वाले भी आ रहे हैं लुक डिसाइड करने। प्रोड्यूसर साहब, वो बिंदिया जी की नई लुक को लेकर मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया आ रहा है। जहां से वो कमाल का आइडिया आ रहा है ना, वहीं वापस जाने दे उसको आप। बिंदिया का लुक चैनल वाले डिसाइड करेंगे। तो मैं कौन हूँ? बस कंडक्टर? मैं भी एक डायरेक्टर हूँ, मेरी भी अपनी एक क्रिएटिविटी है। और डायरेक्टर साहब, आपकी क्रिएटिविटी के पैसे देता हूँ मैं, और मुझे पैसे देता है चैनल। अगर शो बंद हो गया ना तो मेरे पैसे बंद हो जाएंगे और आपकी पेमेंट। बिंदिया जी के गेटअप में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। चैनल जो है वो माय बाप है हमारा, मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा। वेरी गुड, डायरेक्टर साहब समझ गए, तुम लोग भी समझ जाओ। चैनल हमारा मंदिर है और हम उसके पुजारी। और चैनल वाले सर? अरे भगवान हुए ना, प्रभु प्रभु प्रभु। हेलो हेलो, हाय एवरीवन, हेलो हेलो, हाय राजीव, हाउ आर यू? हाय प्रभु। प्रभु मतलब नितिन, चैनल चैनल वाले आए। प्लीज प्लीज बैठो ना, बैठो। हाँ जी बैठो, बैठो सर, बैठिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे प्लीज प्लीज, क्या मंगाया था खाने पीने को बताओ। इट्स ओके राजीव, नो फॉर्मेलिटीज। वैसे भी मुझे दूसरे सेट पे जाना है, मैं तो बस बिंदिया का नया लुक देखने आया था, सो प्लीज बिंदिया को बुला दो। श्योर श्योर श्योर, तन्वी जाओ, बिंदिया को लेके आओ। कौन सी वाली सर, रेड ब्लू या ग्रीन? अरे बिंदिया, हमारे शो की हीरोइन बिंदिया को लेके आओ। ओके ओके सर। वैसे सर, तन्वी ने सही पूछा था, अब देखो ना हमारी बिंदिया के कितने सारे रंग है, मिनट मिनट में रंग बदलती रहती है, और क्या। वेरी फनी कुशल, वेरी फनी। राजी एक काम करो, राइटर से बोल के कुशल के 2-3 कॉमेडी डायलॉग्स लिखवाए लो। ओह या, यस यस सर, ऑफ कोर्स सर। कॉमेडी, रोमेडी, ट्रेजेडी, जो चाहे जैसे चाहे आप, बस लिखवा दो डायलॉग सर, ताकि मेरी माँ जाके सबको बता दे कि उसका बेटा गूंगे का रोल नहीं कर रहा सर, मैं भी डायलॉग बोल सकता हूँ सर। राजी, बट वेयर इज बिंदिया, बुलाओ उसे, उसे बुलाओ ताकि मैं उसे आशीर्वाद दे सके, समझा सके ना कि लुक का चेंज। तन्वी कब तक यहीं खड़ी हो, जाओ बिंदिया को बुला के लाओ, बोलो चैनल वाले आए। लल्ला की अम्मा, बता भी दो बिंदु कब आ रही है। नहीं नहीं लल्ला के बाबूजी, ये लल्ला के लिए हमारा सरप्राइज है। हाँ ये देखो, हम लल्ला को सरप्राइज देने की सोच रहे थे और बहू ने हमें सरप्राइज दे दिया। मैंने? हाँ बहू, आज तो रसोई धन्य हो गई, तुमने अपने कदम जो रसोई में रख लिए। अब तुम खड़ी खड़ी हमारी पंचायत क्या सुन रही हो, हैं? सूर्य का गरम मसाले निकालो, बड़ी इलायची, दालचीनी, जावित्री, तेज पत्ता सब निकालो। ये सब तो नहीं है, ये सब तो मैंने इस किचन में कभी देखा ही नहीं। अच्छा, तभी हम कहें कि हमारा लल्ला इतना मुरझा क्यों रहा है। अरे बनारसी मसालों का खाना जो नहीं मिलता उसे यहाँ। अम्मा जी, मैं आपकी बनारस की टिकट कटवा दूँ? हाँ बहू, तुम तो हमेशा चाहती हो कि हम बनारस वापस चले जाएं, है ना? वो तो है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आप बनारस जाइए और ये सारे मसालों की बोरियां भर भर के यहाँ लाइए, अपने लल्ला को खिलाने। हाँ वो तो हम ले आएंगे बहू, तुम चिंता ना करो। सुरेखा सुन, लिस्ट बना, ये सारे मसाले मार्केट से आज ही आएंगे। अरे वाह, अब से रसोई में बनारसी मसालों की खुशबू आएगी। लल्ला के बाबूजी, अगर हमारे लल्ला ने जिद ना की होती ना, तो बहू भी बनारस की आती। खैर छोड़िए, अब तो कुछ दिन रसोई से सिर्फ बनारसी मसालों की खुशबू आएगी। हमारी बिंदु जा रही है। कब आ रही है बता भी दो, हमसे क्यों छुपा रही हो? अरे हम तुम्हारी बहू थोड़ी ना है। नहीं नहीं, हमारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। वैसे भी इस घर में बने बनाए काम का बंटाधार करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। हाँ नहीं तो। अरे लल्ला की अम्मा, जब से उस बिंदु की चिट्ठी आई है ना, अम्मा जी तो खुशी से हवा में उड़ रही है। तो पता लगाना ही पड़ेगा कि ये बिंदु आ कब रही है। राजी, मैंने अपने पॉइंट्स की एक लिस्ट रेडी की, जिससे हम बिंदिया को बिंदिया बहु बनाएंगे। हाँ या लेट मी शो यू।
छोटी? अब फिलहाल तो इतनी है, बाकी अगर कुछ होगा तो आई विल मेल यू। ऑफ कोर्स। आज तुम शो में चेंज होने वाली हो। अरे वो नितिन का मतलब है कि तुम अब बिंदिया से बिंदिया बहू बन जाओगी। ऐसा लुक देती हो, डरा देती हो सबको। अब सब चेंज हो जाएगा, अब तुम बिंदिया नहीं एक बहू की तरह चलोगी, बहू की तरह रुकोगी, बहू की तरह उठोगी, बहू की तरह बैठोगी, बहू की तरह खाना पीना नहाना धोना, सबसे बॉन्डली बहू की तरह रहोगी, राइट? करेक्ट। सब कुछ बदल जाएगा। तो सर इसी बात पे मेरा भी कुछ बदलवा दीजिए ना सर। ऑफ कोर्स तन्वी, कुशल के डंबल बदल दो। बाकी सामान ले आओ। ये आ गया, सारे चेंजेस जो बता रहे थे। गुड। टच थैंक यू, लाइक इट, सेम कलर, नाइस, सारा कुछ जैसा बताया था एग्जैक्ट वही। नापो 5 मीटर 5 इंच है। 5 मीटर 5 इंच एग्जैक्टली जैसा बताया था। नो राजी, बिंदिया के साड़ी का पल्लू छोटा है, वो भी पूरा 1 इंच। अरे सिर्फ 1 इंच ही तो है। बस 1 इंच? अरे 1 इंच छोटे पल्लू की कीमत तुम क्या जानो राजीव बाबू? फिर से? अब मेरे कहने का मतलब है गाइस, सी, अगर बिंदिया का पल्लू 1 इंच छोटा होगा तो उससे उसका सर नहीं ढकेगा, और अगर उसका सर नहीं ढकेगा तो वो संस्कारी नहीं लगेगी। राइट राइट सर। वो तो है ही नहीं। अरे कुशल, जो लाइनें मिल रही थी वो भी कट जाएंगी। कुशल यार, सो फनी, यू आर सो फनी। सो मैं क्या बोल रहा था, वो जो पल्लू है वो छोटा नहीं रहेगा, वो हम उसमें फॉल लगवा देंगे। साउंड्स गुड। हाँ वो फॉल लग जाएगा उसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली। अब एक्सक्यूज मी, आई विल जस्ट जॉइन। या इट्स ओके, इट्स ओके। हेलो राजीव, तुम क्या कर रहे हो? अरे वो बिंदिया को साड़ी पहना। क्या? अरे मतलब बिंदिया को सजा रहा हूँ। तुम बिंदिया को क्यों सजा रहे हो? अरे मतलब नया लुक सेट कर रहा हूँ उसका, मे बी वो बहू बन रही है ना, बताया था तुम्हें। अच्छा सुनो, किसी की चिट्ठी आई है। तुमने ये बताने के लिए फोन किया? जिसकी चिट्ठी है उसको दे दो यार। तुम्हें पता नहीं यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम चल रही है। चैनल ईपी आया, वो मेरी पीपड़ी बजा रहा है वो। और मैं ना तुम्हारा बैंड बजा दूंगी। क्यों? चिट्ठी तुम्हारी बिंदु ने भेजी है। मुझे क्या पता चिट्ठी क्यों भेजी है, शो देखा होगा, फैन मेल भेजी थी और क्या। वैसे चिट्ठी में लिखा है आपकी। मेरी? हाँ, आपकी प्यारी बिंदु। बेबी लिखने वालों का क्या है, लिखने वाले तो कुछ भी लिख सकते हैं ना। फिलहाल मुझे बिंदु पे नहीं, बिंदिया पे कॉन्सेंट्रेट करना है। मैं जाके काम करता हूँ। हाँ, मेरे अलावा तुम बाकी सब पर कॉन्सेंट्रेट करो। आई विल कॉल यू लेटर, बाय बाय। लल्ला की अम्मा, अब दे भी दो बिंदु की चिट्ठी, हम भी तो पढ़े उसमें क्या लिखा है। हमने कहा ना हमारे लल्ला का सरप्राइज है, हम किसी को नहीं देंगे। हम कितनी बार कहे आपसे। अम्मा जी का सरप्राइज मतलब मेरे लिए शौक। अरे राजीव को तो बताना ही भूल गई कि बिंदु आ रही है। ए राजीव, थोड़ी से अच्छे से बोलो। आजकल के क्रिएटर्स में ना क्रिएटिविटी नाम की चीज ही नहीं है। राजीव मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। प्रिया मैं बिजी हूँ, थोड़ा जल्दी बोलो ना प्लीज। अरे वो बिंदु की चिट्ठी आई है। और 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 चिट्ठी अम्मा जी ने अपने पास रख ली है, लेकिन मैं उनके पीछे पीछे किचन में गई थी और बिंदु यहाँ आ रही है बंबई, और यहाँ आकर हमारे साथ रहेगी हमारे घर में। और ना राजीव सर, और करके और कितना और? सॉरी वो मैं कह रहा था और ऊपर ले लो, ऊपर ले लो पल्लू को। राजीव आर यू फीलिंग ओके? मैं पल्लू कब रखती हूँ? पल्लू सर तक ना, सर तक ले। तो अब क्योंकि बिंदु आ रही है तो उसे दिखाना चाहते हो कि तुम्हारी बीवी भी पल्लू रखती है? अरे मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। तो फिर किससे बात कर रहे हो? एक्सक्यूज मी, तुमसे ही बात कर रहा हूँ। अरे तो फिर करो ना। अरे बिंदु आ रही है यार, दैट्स लाइक वाओ। वाओ मतलब वाए वाए, वो क्यों आ रही है पता है नहीं क्या? अरे ये तो अम्मा जी को ही पता होगा ना, अपने पास चिट्ठी ऐसे रखी है जैसे उन्हें कोई जायदाद मिल गई, बता ही नहीं रही है कि ये बिंदु कब आएगी। तो अम्मा जी को सर बिंदिया को सेट कीजिए ना। क्या तुम
बिंदिया को सेट कर रहे हो? अरे नहीं नहीं मैम, लुक सेट करने को बोल रही है यार। लुक टेस्ट चल रहा है ना। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, प्लीज मेरे को बता देना सब। बाय। अरे पहले मेरी जिंदगी में ये बिंदिया कम थी कि अब ये बिंदु भी आ रही है, पता नहीं आगे चल के क्या होगा। बस फिलहाल मैं अम्मा जी से इतना तो पता लगा लूं कि ये बिंदु आ कब रही है। अरे हम तो बहुत खुश हैं, बिंदु जो आने वाली है। अम्मा जी मुझे आपसे जरा बात करनी। देखती रही, हम फोन पे बात कर रहे हैं। हाँ तो फोन पर भी बात ही कर रही है ना। ओफो, अच्छा सुनो, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। बहू हम जरा अपनी सहेलियों से बात करने लगे, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ है ना, फौरन सर पे पांव रख के आ गई। अम्मा जी आप जानती नहीं है लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि आप सिर्फ अपनी सहेलियों से ही बातें करते रहें 24 घंटे। अच्छा, ताकि तुम घर में कुछ भी करो और तुम पर किसी की नजर न रहे, है ना। अम्मा जी आप क्या CCTV है? हाय बहू, ये कौन सा टीवी है? रहने दीजिए। वैसे बताइए आपको इसमें से कोई डिजाइन पसंद है? क्यों, मैं अपने लिए इयररिंग्स मंगवा रही थी, सोचा आपसे पूछ लूं अगर आपको भी कुछ अच्छा लगा हो। बहू एक पर एक फ्री मिल रहा है क्या? नहीं अम्मा जी, एक लेने पर दूसरा और भी महंगा पड़ रहा है। देखिए ना, बताइए हमारे लल्ला के पास क्या पैसों का पेड़ है? तोड़ती जाओ और खर्च करती जाओ। हाँ अम्मा जी ये मैं अपनी सेविंग से खरीद रही हूँ, देखिए ना फोटो और बताइए कुछ पसंद है कि नहीं। बहू फोटो में तो तुम भी बहुत अच्छी लग रही थी। एक बार धोखा खा चुके हैं, दोबारा धोखा नहीं खाएंगे हम। हाँ अम्मा जी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, राजीव अपने सेट पर भी यहीं से मंगवाता है। लल्ला की तो तुम रहने ही दो बहू, उसे सही और गलत की पहचान होती तो आज बिंदु इस घर में होती। अरे अच्छा हुआ राजीव की शादी वो बिंदु से नहीं हुई, वरना हम बनारस में पड़े रहते, तुम भी वो भी। अच्छा मतलब? अरे बहू अब क्या कहूँ, राजीव को मुंबई आना था उसके करियर के लिए, बिंदु चाहती थी कि वो बनारस ही रहे, बस थन गई दोनों में, शादी तो लगभग तय ही थी। अच्छा हमारे बनारस में एक कहावत है, मांगी थी लस्सी मिल गई चाय, जैसी जिसकी किस्मत वैसा ही फल पाए। अम्मा जी आप तो बहुत लकी हैं कि आपको चाय मिली चाय, पर ना कुछ लोगों की किस्मत में तो सिर्फ गर्म पानी ही लिखा है। बहू हम समझ गए, तुम कहना चाहती हो कि हम गर्म पानी हैं। अरे नहीं 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 अम्मा जी, वैसे आपकी लस्सी कब आ रही है आपकी प्यारी बिंदु? क्यों? अरे तैयारियां करनी है ना उसे घर से भगाने की। नहीं नहीं वेलकम करने की। वो तो बहू हम नहीं बताएंगे, वैसे वही तो सरप्राइज है। हाँ ठीक है, आप ये डिजाइन देखकर बताइए। हेलो लीला, क्या तू और सोनिया मुझे अर्जेंटली मिल सकते हो अभी? ओके अल्लू तो हो गया सही है ना, और अब ज्वेलरी। हाँ ऑफ कोर्स। हाँ और एक बात का ध्यान रखना कि उसका वेट 3 किलो 300 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें मंगलसूत्र इंक्लूडेड नहीं है। नहीं है, नहीं है। गुड, सो पहनाना शुरू कर। ध्यान से प्लीज। ये बिंदिया का नया लुक है, उसका श्रृंगार है, तो वो जो कुछ भी करेगी ना अपने इस नए लुक में करेगी। उसे रोना है, हंसना है, गाना है, नाचना है, पीना है। नहीं बिंदिया पी नहीं सकती है, क्योंकि बिंदिया एक संस्कारी बहू है, राइट? अब तन्वी तू मुझे बिंदिया का सिंदूर और कंगन दिखाओ। क्या? हाँ। Are you serious? हाँ बाबा हाँ। इसका मतलब है कि तेरे घर में तेरे पति का पहला प्यार आ रहा है और तू उस चीज को इतना लाइटली ले रही है। वाह क्या तू ही समझा इसको? अरे प्रिया इट्स एन इमरजेंसी यार। इमरजेंसी कैसे? प्रिया तू भूल गई कि शाहरुख खान ने क्या कहा था? क्या कर? हाँ याद आया, कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है। तू पति हार जाएगी इस चक्कर में। प्रिया ये वाला डायलॉग नहीं, दूसरा वाला। सेनोरिटा
हम जिंदगी में एक ही बार प्यार करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि हम जिंदगी में एक बार शादी करते हैं। प्रिया मेरी बात समझ, पत्नी जो होती है ना, चाहे कितना भी बड़ा पटाखा क्यों ना हो, शादी के बाद वो 2G होती है। और गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड उस बला का नाम है जो शादी के बहुत साल बाद भी ना 4G रहती है। तुझे 2G से 4G बनना है, ऐसी बन जा कि तेरा पति तेरे अलावा किसी और को देखे ही नहीं। आज ना तुझे राजीव को ऐसा सरप्राइज देना है कि तेरी शादी में ना वापस रोमांस आ जाए। लेकिन कैसे, हम बताते हैं। Thank me later, sweetheart. ये? Good. Raji, walk is fine. अब स्माइल करके भी दिखा दो। नो नो स्माइल राजी। यू नो जो डेली सोप की हीरोइन होती है ना, समझ पेन, उनके चेहरे पे दर्द दिखना चाहिए, पेन और सैडनेस। सो बिंदिया अपने चेहरे पे पेन दिखाओ। बिंदिया पेट का दर्द नहीं, दिल का दर्द, दिल का, यू नो अंदर से दर्द, पेन पेन। आई गॉट इट। या नहीं, ये तो देखने वालों को हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे सोचो कि तुम्हारी लाइनें कम है, वैम्प की ज्यादा है, कैसा फील करती हो तुम? वो वाला ओके साल जी, अब एक्सप्रेशन वैम्प की लाइन ज्यादा, तो तब तो मुझे गुस्सा आएगा ना, दर्द थोड़ी होगा। डेशी जेलस, वेरी जेलस। सोचो जो प्रोडक्शन के पैसों से तुमने मेकअप मंगवाया था पर्सनल यूज के लिए, वो प्रोडक्शन वाले नहीं लाए। परफेक्ट, यही तो चाहिए था। हॉट सरप्राइज वेटिंग फॉर यू। पता नहीं क्या हॉट सरप्राइज होगा, कहीं गरम गरम तवे पे तो नहीं बिठाने वाली। नहीं नहीं प्रिया, मैं तुम्हारा मूड ठीक कर दूंगा, तभी तो तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेके आया हूँ। I'm reaching home soon, don't worry. प्रिया, बाबूजी, अम्मा कहाँ चले गए सब? कमाल है। ये था तुम्हारा सरप्राइज, मतलब अम्मा बाबूजी गप्पू को लेके बाहर गए तो तुमने रोमांटिक लाइट्स, लहंगा चोली, क्या माहौल क्रिएट किया है। नॉट बैड एट ऑल। अब ऐसे ही रहना, डर मत करना, मैं अपना सरप्राइज भी दिखाता हूँ। हाय लल्ला के बाबूजी, जब लल्ला को हमारे सरप्राइज के बारे में पता चलेगा ना, तो एकदम खिल खिला जाएगा। अरे रुको तो लल्ला की अम्मा, अब तो मजा आना शुरू हो रहा है। आंखें बंद रखना, बिल्कुल मुंह मत करना, और बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अरे क्या कर रही हो तुम, समझती क्यों नहीं हो? लल्ला शर्म के शरबत में घोल कर पी गए हैं आप। अरे हमारे सामने लल्ला देखो। तुम्हें सरप्राइज का मजा लेना है ना? हाँ। तो थोड़ी देर बाद पता चलने दो राजू को तुम्हारा सरप्राइज क्या है। अच्छा बहुत अच्छा।
हाँ राजीव जी, हम ही हैं, आपकी प्यारी बिंदु। मतलब और मैं भी हूँ। प्रिया, बिंदु, बिंदु, प्रिया, बिंदु, बिंदु, प्रिया। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, बीच में लटक गया ना भाई, अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा।